तो दोस्तों फाइनली रोशन भाभी गोकुलधाम सोसाइटी में पधार चुकी है और रोशन भाभी सोढ़ी को ढूंढ रही है। सोढ़ी रोशन भाभी को मिल चुका है। अब रोशन सिंह सोढ़ी की बयान बचने वाली है। जी हाँ दोस्तों, सोढ़ी को ढूंढते हुए जब रोशन भाभी भिड़े के घर पहुंची और उन्होंने माधवी बाप को भाभी को सारी बात बताई तो माधवी भाभी और रोशन भाभी ने मिलकर आत्माराम तुकाराम भिड़े से पूछा कि पोपटलाल के घर पर सोढ़ी छुपा हुआ है क्या। तो भिड़े जो है वो सारा सच बता देता है और ये लोग पहुँच जाते हैं पोपटलाल के घर, जहाँ पर माधवी भाभी जब पोपटलाल से पूछती है कि सोढ़ी कहाँ पर है, तो पहले पहले तो पोपटलाल नहीं बताता है, लेकिन जब माधवी भाभी उनको उनके होने वाले पत्नी की कसम देती है तो पोपटलाल भी चुप नहीं रह पाता और सोढ़ी कहाँ पर छिपा है ये बता देता है रोशन भाभी को। अब रोशन भाभी जो है वो तो गुस्से में है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैरिज एनिवर्सरी के दिन आपका हस्बैंड पीकर टल्ली हो जाएगा, पार्टी शार्टी करेगा, तो कोई भी पत्नी गुस्सा तो ज़रूर करेगी। ऐसे में दोस्तों देखना यह है कि रोशन भाभी जो है वो सोढ़ी का क्या हल करते हैं। इंतज़ार करते हैं दोस्तों आप में तारक मेहता के अगले एपिसोड का।